इन द मॉड्यूल नंबर ऑफ बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी विद डायरेक्ट सेलिंग। मैं पूर्णिमा सिंह आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ एक अमेजिंग कोर्स में जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी विद डायरेक्ट सेलिंग। एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्यों बोल रही हूँ, आपको पता होगा जितने लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते हैं कि एक ऑर्डिनरी पर्सन कुछ एक्स्ट्रा करके यहाँ पे एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म करता है और एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट को पाता है। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी विद डायरेक्ट सेलिंग, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी उभरती हुई इंडस्ट्री है जो आज के टाइम की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अगर मैं बात कर रही हूँ कोविड टाइम्स की तो मोस्ट प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री साबित हुई है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे लोगों को पे आउट नहीं मिल रहे थे, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज बंद हो रही थी, बहुत सारे गवर्नमेंट में जो लोग थे उनकी सैलरी आधी हो गई थी, उस टाइम पे भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको पैसा दे रही थी। तो ये एक बहुत प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री बन के साबित हुई है। और अगर मैं बात कर रही हूँ 2021 की तो 159.3 बिलियन डॉलर का टर्नओवर ये इंडस्ट्री दे चुकी है। और इसके साथ साथ में फिकी एंड केपीएमजी की रिपोर्ट ये कहती है कि 645 बिलियन डॉलर का टर्नओवर ये इंडस्ट्री 2025 तक आपको करके देगी, राइट। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, राइट। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज के टाइम पे बहुत बूम पे है, लेकिन इंडिया में अभी सिर्फ 1% लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अदर कंट्रीज की, तो अगर एक पर्टिकुलर कंट्री को अगर मैं देखूं तो 30% लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व्ड हैं। और ये बहुत उभरती हुई एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री चल रही है। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक्चुअल में है क्या, तो मैं बताऊंगी कोई भी सामान, जैसे आप देखते हो आपके नॉर्मल जो यूज का सामान होता है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो प्रोडक्ट्स को एक ऐसा बिजनेस मॉडल डिजाइन करती है जिससे आप प्रोडक्ट्स को बाय एंड परचेज कर सकते हो कुछ लोगों की मदद से, राइट। अब इसमें होता क्या है, क्यों डायरेक्ट सेलर्स अच्छा पैसा कमाते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ कि मान लो कोई सामान है, राइट, वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर हुआ है, बना है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेती हूँ कोल्ड ड्रिंक है जो 2-3 रुपए में बनी है, ठीक। अब जब वो बनती है तो ऑफकोर्स बात है उसकी कॉस्ट कम होती है, लेकिन जब वो मैन्युफैक्चर से अप्रोक्सिमेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर अपना मार्जिन लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास में जाती है, होलसेलर उसमें अपना मार्जिन ऐड कर लेता है, होलसेलर से ये फिर रिटेलर के पास में जाती है, रिटेलर अपना मार्जिन ऐड करता है, देन शॉपकीपर के पास में जाती है, वो अपना मार्जिन ऐड करता है, एंड देन कस्टमर के पास में जाती है, और वही 2-3 रुपए की कोल्ड ड्रिंक आपको 20-30 रुपए में मिलती है। सोच कर देखो कितना मार्जिन ऐड हो जाता है एक सिंगल कोल्ड ड्रिंक में। इसके साथ साथ में बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैसा होता है जो इसमें और ऐड हो जाता है, जिसको मैं कहती हूँ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट चलते हैं, आप देखते हो आपके टीवी में आते हैं, आपके यूट्यूब के एड्स में आते हैं, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक के एड्स आते हैं, जैसे सलमान खान ऐड करते हैं, आमिर खान ऐड करते हैं, ऋतिक रोशन ऐड करते हैं, कैटरीना कैफ ऐड करती हैं, राइट। तो क्या आपको लगता है ये फ्री में करते हैं? नो, ये बोलते हैं कि डर के आगे जीत है, आज कुछ तूफानी करते हैं। तो आपको क्या लगता है ये फ्री में करते हैं? नो, ये कंपनी से पैसा लेते हैं, और कंपनीज किससे पैसा लेती हैं? कंपनीज कस्टमर के जेब से पैसा लेती हैं, राइट। तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या कहती है, कहती है कि जिसने इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से यूज नहीं किया वो इसका ऐड कर रहे हैं, क्यों ना मैं ये पैसा जो बीच का है, जो पूरा मार्जिन पैसा है, ये मैं उनको दूं जो इस प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं और जो अच्छे तरीके से इसके बेनिफिट्स को बता सकते हैं। अगर वो लोग इसका प्रमोशन करें तो मैं बीच का पैसा उनको दे दूंगी। तो क्या करती है वो, मैन्युफैक्चर से कस्टमर को कनेक्ट कर देती है। अगर मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट आपको सामान मिले तो सोच के देखो कि बीच का अमाउंट आपको मिलेगा तो कैसा लगेगा आपको। ऑफकोर्स ये बात है बहुत ही अच्छा लगेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस कॉन्सेप्ट पे काम करती है, और इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज आती है जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एक इतने अच्छे बूम पे है कि मैं आपको अगर बताऊं तो इसकी इनकम का आपको अंदाजा भी नहीं होगा, राइट। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो लाखों में, करोड़ों में पैसा कमा रहे हैं, डॉलर्स में, बिलियन डॉलर्स में, मिलियन डॉलर्स में लोग इस इंडस्ट्री से पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसा क्या है इस इंडस्ट्री में, ये है पावर ऑफ नेटवर्क।
नेटवर्क के पावर से ये इतनी अच्छी ग्रोथ ले पा रहे हैं। अब एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि मान लो कि मैं कहीं पे जॉब कर रही हूँ या फिर मैं खुद का बिजनेस कुछ भी मैंने डाला हुआ है, राइट। अब अगर मैं बहुत मेहनत करूँ और मुझे अचानक से 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, राइट, तो क्या मैं अपना बहुत ज्यादा काम करूं तो भी क्या मैं 10 लाख मंथली बेसिस पे कमा सकती हूँ? मे भी हो सकता है कमा सकती होंगी, मुझे नहीं पता। लेकिन आप मैक्सिमम कितनी देर काम कर सकते हो? मैक्सिमम 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा, मैं कहती हूँ 24 घंटे आप काम कर रहे हो। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर आपके साथ 50 लोग और काम कर रहे हैं और 50 लोग अगर 2 घंटे भी काम करते हैं तो आपके लिए एक दिन में कितने घंटे का काम हो रहा है? 100 घंटे का काम आपके लिए एक दिन में हो रहा है। तो सोचो आपकी इनपुट कितना ज्यादा बढ़ जाएगा और आपका आउटपुट कितना ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। एक सर्वे के दौरान एक अंबानी की कंपनी में एक सर्वे हुआ था जिसमें पाया गया था, मुझे नहीं याद नहीं है, 2015 में सर्वे हुआ था, 3 लाख लोग उसकी कंपनी में काम करते हैं। अब आप सोचो 3 लाख लोग अगर 8 घंटे काम करते हैं तो एक दिन के अंदर 24 लाख घंटे का काम होता है, 24 लाख घंटे। तो आप सोच के देखो 24 लाख घंटे का अगर एक दिन में काम हो रहा है तो कितना ज्यादा टर्नओवर वो कंपनी कर रही होगी। तो यही बात होती है पावर ऑफ नेटवर्क। जिनको नेटवर्क की पावर नहीं पता होती है वो शायद ऐसा बोलते हैं कि यार ये तो जोड़ने वाला काम है, यार ये तो जोड़ना पड़ेगा। मैं बोलती हूँ यार अगर आप जोड़ नहीं सकते ना तो किसी के अंदर में जाके जुड़ोगे, जुड़ोगे तो क्या आपका पैसा कभी ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉय का पैसा बॉस से ज्यादा हो? पॉसिबल नहीं है। सोचो जो ओनर है वो क्या करता है, आपको जोड़ता है, राइट। लेकिन आप हो जो उसके अंदर जुड़ रहे हो, उसकी इंस्टीट्यूशन में जुड़ रहे हो, तो बताओ जुड़ने वाला ज्यादा पैसा कमाता है या जोड़ने वाला? ऑफकोर्स ही बात है जोड़ने वाला ज्यादा पैसा कमाता है, राइट। तो मुझे भी जोड़ जोड़ के आगे बढ़ना है भाई, घटा घटा के आगे नहीं बढ़ना है, ऑफकोर्स ही बात है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की पावर आज इस तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही है। और इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं कि एक्सपर्ट्स इस पे क्या कहते हैं, तो मैंने एक देखा, एक बहुत अच्छा लाइन बिल गेट्स ने बोला हुआ था कि अगर मुझे सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना पड़े तो मैं अपनी पहला चॉइस नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। और इसके साथ साथ में रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड बुक भी लिखी है, उनका भी मानना ये है कि बहुत सारे लोग वेल्दी क्यों नहीं बन पाते, जस्ट बिकॉज वो उनको इस चीज की ट्रेनिंग नहीं मिली होती है कि सामने पड़ी हुई अपॉर्चुनिटी को कैसे तुरंत ग्रैब करना होता है, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग आज इस तरीके से बूम कर रही है और डेफिनेटली इसमें आपका करियर बहुत बड़ा है। अगर आप अच्छी तरीके से इसमें काम करते हो तो आप इसमें अपनी सैलरी, अपनी इनकम खुद बता सकते हो कि इस महीने मेरा चेक क्या आने वाला है। तो हम बात करने वाले हैं आज इस नेटवर्क मार्केटिंग में किस तरीके से आपको इनकम करनी है, किस तरीके से क्या स्टेप्स होंगे और किस तरीके से आप इस बिजनेस में अपने मन की इनकम ले सकते हो।